बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैंने बनाई है माश की दाल, बहुत ही टेस्टी बनी है। मेरी रेसिपी से फॉलो किया करें और मुझे कमेंट में प्रमोट किया करें, बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। दाल को भिगो के मैंने 2 घंटे के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे। 2 कप मैंने पानी ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। 5 से 10 मैंने काली मिर्च ऐड की हैं। प्रेशर लगा देंगे हम इसको 15 मिनट के लिए। कढ़ाई ले लेंगे, उसमें 1/2 कप मैंने घी ऐड किया है। 2 प्याज ली हैं, वो चॉप कर ली थी। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 2 अदर टमाटर ऐड करेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। साबुत काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर लें और इसे अच्छे से फ्राई कर लें। प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया है और हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। इसको ज़्यादा नहीं गलाना, पानी इसका हम सेपरेट कर लेंगे। दाल में अगर पानी डालने की ज़रूरत होगी तो हम यही वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। इसे आप वेस्ट ना किया करें। अगर ये वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो जायका बहुत ही अच्छा आता है। दाल डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी और मेथी ऐड किए हैं टेस्ट के लिए। अच्छे से फ्राई कर लें और इस स्टेज पर आकर हम इसमें 1 लेमन ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड कर देंगे। जो हमने पानी निकाल के रखा हुआ था उसे थोड़ा सा ऐड करेंगे। हमारी दाल तकरीबन रेडी हो चुकी है। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और धनिया और हरी मिर्चें जो मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं वो डाल देंगे और इसे ढक्कन दे के रख देंगे हम 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। हमारी दाल रेडी है। बहुत ही आसान रेसिपी है। मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।